यातायात माह के अभियान के क्रम में नवंबर माह में दो पहिया वाहनों एवं चार पहिया वाहनों यातायात नियमों के पालन नहीं करने पर यातायात निरीक्षक द्वारा जमकर चलान एवं सीज की कार्यवाही की जा रही है। तो आप भी सतर्क हो जाए और अपने वाहन के कागजात और हेलमेट सीट बेल्ट के साथ जब भी सड़कों पर चले यातायात नियमों का पालन करें, नहीं तो आपका भी कट सकता है चलान। मऊ जनपद के गाजीपुर तिराहा पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने सीट बेल्ट नहीं पहने वालों एवं चारपहिया वाहन में काली फिल्म लगाकर चलने वालों एवं हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहनों का चलान करने के साथ गाड़ियों को सीज भी किया। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने बताया कि यातायात माह के अंतर्गत परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चलान एवं सीज की कार्यवाही की गई है। अभी तक 20 गाड़ियों का चलान किया गया, साथ ही 6 गाड़ियों को सीज किया गया है। सीट बेल्ट को लेकर आज विशेष अभियान चलाया गया है। वहीं ओवरलोड ले जा रहे स्कूल बसों पर भी कार्यवाही की गई है। मऊ से एच एन आजमी की रिपोर्ट। यातायात माह नवंबर चल रहा है, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ब्लैक फिल्म और हेलमेट की सघनता से वाहन चेकिंग की जा रही है और सीट बेल्ट इन पर विशेष अभियान चल रहा है। इनके पे क्या कार्रवाई भी की जा रही है, इनके फिर चलान किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। अब तक कितनी चलानी हुई है? अब तक 20 चलान हो चुकी हैं और 6 वाहन सीज किए गए हैं बिना हेलमेट के। स्कूल बस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, ओवरलोड बसें थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। स्कूल की बस थी, स्कूल की बस थी, स्कूल बस में नंबर प्लेट मिलेगा, नंबर उनको नंबर प्लेट का भी चलान किया गया है। इसमें मारा कनू पच्चीस हजार लगा था, ओवरलोड का दोनों चलान किया गया है। कितनी संख्या क्या होगी सर? बच्चों की संख्या क्या होनी चाहिए उसमें? ओवरलोड थी, सीट से जो है कम से कम 20 सवारी अधिक बैठाए थे बच्चों को, सीट से 20 अधिक बच्चे बैठे थे।